नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। आज मैंने खड़गपुर यार्ड से मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आज जो टॉपिक्स मैं दिखाएंगे आप लोगों को सीखने के लिए, वो टॉपिक्स आप सामने में देख रहे हैं। एक आपका लगेज ब्रेक कम जनरेटर कार इधर रखा हुआ है और इसके जो इनमें जो सेकेंडरी सस्पेंशन लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं कि एयर बेलो सिस्टम। अब एयर बेलो सिस्टम जहां आए हैं तो मतलब फेल्यूर इंडिकेशन के पोर्ट इसमें रहेंगे। ये फेल्यूर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन के पोर्ट है और ये पोर्ट आपका जो ब्रेक वैन है, इस ब्रेक वैन में दूसरा किस्म के पाइपलाइन डायग्राम होते हैं। जनरली आपका बाकी जो गाड़ी होते हैं ब्रेक वैन अलग किस्म के एयर बेलो का कनेक्शन होता है, वो पाइपलाइन डायग्राम मैंने आप लोगों को दिखाएंगे। ये पाइपलाइन डायग्राम आप लोगों को दिखाने की कोशिश इसीलिए मैं करता है कि जब एन रूट में गाड़ी चलता है बहुत सारा ट्रबल शूटिंग होता है, तो आप लोगों ने उसी तरीका के दूसरा जो मेरा जो एलएचबी कोच है, जैसे कि स्लीपर क्लास हुआ, जीएस हुआ और अदर जो भी कोच है, उनके जो पाइपलाइन डायग्राम है उनके हिसाब से पाइपलाइन डायग्राम नहीं है। तो आप लोगों को इसके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए जो लाइन डायग्राम दिखाएंगे कि कहाँ से इसका प्रेशर आपका एयर बेलो में गया है, वही टॉपिक्स आज दिखाएंगे। तो चलिए, चैनल में अगर नया हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। तो मैं ब्रेक वैन के ऊपर एयर बेलो सिस्टम जो नया अपडेट है उनके पाइपलाइन डायग्राम और उसका रेमेडी किस तरीके से काम करने के लिए आप लोगों की सुविधा के लिए मेरा CNW भाई और जो भी है जो सीखने वाला है उनके लिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगने से लाइक दीजिए। सामने में मैं दिखा रहा है बहुत सारा एलएचबी कोचों के साथ में ये एयर बेलो सिस्टम आपका जो लगेज ब्रेक एंड जनरेटर कार है उनके जो एयर बेलो सिस्टम है, ये सिस्टम का पाइपलाइन डायग्राम कहाँ से आपको किस तरीके से होते हैं मैंने उसी को आज दिखाया। जो आपका दूसरा कोच होता है उनके पाइपलाइन डायग्राम और इनके पाइपलाइन डायग्राम में बहुत ही डिफरेंस है। ये टोटली देख सकता है कि इनके जो पाइपलाइन डायग्राम है ये टोटली देखिए, ये गार्ड का लगे जो ये है बोगी है, मतलब गार्ड का जो कैब है, कैब का नीचे में इनका सप्लाई लाइन है, इधर से सप्लाई आपका इस बोगी और दूसरा बोगी में आपका फेल्यूर इंडिकेशन काम करने के लिए और एयर बेलो में प्रेशर सप्लाई करने के लिए ये लाइन इधर से ही आपका सप्लाई शुरू होता है। कि ये जो एयर बेलो आपका सेकेंडरी सस्पेंशन है, इसमें एयर बेलो में जो प्रेशर आता है एफपी के प्रेशर, ये आपका एक बोगी में आपको दो एयर बेलो दो साइड में रहता है और दूसरा बोगी में सेम कंडीशन में दो एयर बेलो रहता है और फेल्यूर इंडिकेशन का दो पोर्ट आपको दिखेंगे डायगोनली। जो प्रेशर आते हैं एपी के प्रेशर आते हैं और वो प्रेशर कहाँ से आते हैं आप लोग जानते हैं कि एक कोच में आपका एंड टू एंड दो एंगल कॉक रहता है और यही होता है मेन पाइप। एक ग्रीन पाइप जो है आपका ब्रेक पाइप के लिए काम करने के लिए होता है और एपी जो है उसको फीड पाइप बोले जाते हैं ब्रेकिंग सिस्टम को आपको सुविधा करने के लिए या तो उसका साथ में चलने के लिए ठीक से काम करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। प्रेशर इनसाइड हुआ और पूरा ट्रेन में एपी के प्रेशर आपको ये सप्लाई करेंगे। कभी भी वीडियो छोड़ने से इस तरीके के बहुत डिस्टर्बेंस आते हैं, तो फ्रेंड्स इनको आप लोग टॉलरेंस कर लीजिए। मेन आपका एपी बीपी प्रेशर इधर देखिए, दो टी ज्वाइंट दिख रहा है, ऊपर वाला जो टी ज्वाइंट दिख रहा है उधर से देखिए लाइन आया है, इधर एक आइसोलेटिंग कॉक है, ये हो गया एपी पाइप और ये प्रेशर आपका एक डार्ट कलेक्टर और देखिए एक नॉन रिटर्न वाल्व होने के बाद में 150 लीटर एयर बेलो सप्लाई में ये जाना शुरू कर रहे हैं, इनपुट हुआ। नीचे का जो टी ज्वाइंट से पाइप आपका ब्रांच पाइप आए हैं उसमें देखिए एक आइसोलेटिंग कॉक है, ये आइसोलेटिंग कॉक होने के बाद में ये फेल्यूर इंडिकेशन में आपका बोर्ड में आए हैं, ये कि ऑटोमेटिक ब्रेक कराने के लिए जबकि ये बोर्ड काम करे। 100 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वर में आपका प्रेशर एपी प्रेशर आए हैं और ये हो गया आपका आउटपुट लाइन, इधर से आपका एयर बेलो में सप्लाई लाइन जा रहा है। ये पाइप अंदर में उस तरफ गया है, मैं दिखा रहा है कहाँ जा रहे हैं, ये अंदर में आए हैं वो आपका 150 लीटर सप्लाई और इधर देखिए टी ज्वाइंट से एक आइसोलेटिंग कॉक होते हुए ये आपका दूसरा
सेट का जो बोगी है उनमें सप्लाई लाइन जा रहा है इधर से बेलो में जाने के लिए। मतलब इस कोच के उस तरफ में जो बोगी में आपका एयर बेलो है, इधर से सप्लाई लाइन और उनके जो आइसोलेटिंग फॉक इसी जगह में लगा हुआ है, दूसरा गाड़ी का शरीक नहीं है। अब टी ज्वाइंट के बाद में देख सकता है एक और आपका आइसोलेटिंग फॉक होते हुए ये प्रेशर आपका इधर से देखिए इधर आया है, ये लाइन इधर आने के बाद में इधर देखिए लेवलिंग भाल में इनपुट हुआ है। ये इस तरफ के जो बोगी है इसके लेवलिंग भाल इधर देखिए टी ज्वाइंट से आपका उस तरफ में पाइपलाइन गया है, वो दूसरा साइड का जो आपका लेवलिंग वाल्व है एयर बेलो सप्लाई के लिए चले गया है इस जगह से। लेवलिंग वाल्व में जो पाइप इनपुट हुआ है उनके आउटपुट लाइन देखिए इधर है और इधर एक्स्ट्रा 60 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वर इधर रखा हुआ है और ये प्रेशर एक डुप्लेक्स चेक वाल्व में जा रहा है। देख सकते हैं डुप्लेक्स चेक वाल्व से देखिए एक प्रेशर का एक तो फ्लेक्सिबल पाइप उठे है और ये आपका बॉडी का अंडर फ्रेम में आके लगा हुआ है और एक पाइप देखिए इस जगह में आए हैं क्रॉस बीम के ऊपर से आके इसी जगह में आए हैं, वो आए हैं उस तरफ का बेलो का हवा जो कि आपका फीवा फेल्यूर इंडिकेशन के पोर्ट में आएंगे, वो लॉन्ग ट्रेवल करके उस तरफ से डुप्लेक्स चेक वाल्व का उधर से आपको आए। बीच में देख सकते हैं कि डुप्लेक्स चेक वाल्व आपको रखा गया है। ये जो दो पाइप आप देख रहे हैं ये दो पाइप आपका देखिए इधर से आए हैं, ये दो पाइप आने के बाद में देखिए इस जगह से ये पाइप आपका जो फेल्यूर इंडिकेशन का पोर्ट है इसमें आके लगे हैं, इनके बैक साइड में लगे हैं। मतलब दो एयर बेलो का प्रेशर इस फेल्यूर इंडिकेशन के पोर्ट में लगा हुआ है और इनके जो नीचे वाला देखिए इधर दो जो पाइप है उनके नीचे वाला जो पाइप है उनमें से आपका टी जॉइंट होते हुए एक देखिए आइसोलेटिंग कॉक होते हुए ये आइसोलेटिंग कॉक को होते हुए ये प्रेशर आपका इस आपका बीपी प्रेशर इस आपका फेल्यूर इंडिकेशन पोर्ट में रखा गया और इधर से दो आपका इंडिकेटर का प्रेशर इधर से निकला हुआ है, इस तरफ एक इंडिकेटर उस तरफ एक इंडिकेटर और ये पोर्शन आपका लगा हुआ है देखिए ये आपका जो गार्ड का जो कैप है कैप का बगल में ये सप्लाई लाइन और इस तरफ का फेल्यूर इंडिकेशन का पोर्ट और एकदम कोच के एंड में इसका सिस्टम दिया गया। फेल्यूर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन जो पोर्ट है उनके ऊपर में जो फेल्यूर होता है उनके ऊपर वो एक वीडियो मैंने ट्रबल शूटिंग में दिया हुआ है, लेकिन मैं आज ये जो है ये मैंने आपका एक आपका ब्रेक वैन का ऊपर में मतलब SLR ये आपका जो है ये SLR का ऊपर में मैं दिखा रहा है क्योंकि ये सेपरेट पाइपलाइन डायग्राम है उसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। का जो बोर्ड है ये आपका नॉर के होते हैं क्योंकि नॉर के जब होते हैं तो इस तरीके के एक आइसोलेटिंग कॉक होते हैं इसमें, यही होते हैं नॉर के रीसेट बटन और ये आइसोलेट भी करते हैं और जबकि मेरे एयर बेलो में कुछ ट्रबल होते हैं इस बोगी में तो इसमें डिफरेंशियल प्रेशर में अगर कोई भी कारण से मेरा ब्रेक एप्लीकेशन होता है गाड़ी में तो यही आप पोर्ट से मेरा प्रेशर निकल जाएंगे क्योंकि मेरा ब्रेक पाइप का प्रेशर इधर लगा हुआ है। आप लोगों को दिखाया है ये ब्रेक पाइप का प्रेशर मेरा इधर दिया हुआ है, इसी पोर्ट से ब्रेक प्रेशर बीपी प्रेशर का प्रेशर गिर जाते हैं और गाड़ी में टोटल गाड़ी में ब्रेक चलेंगे इस बोगी में जो इधर से जो सप्लाई लाइन गया है आपका एयर बेलो में इस तरफ से आउटपुट होने का बाद में ये सप्लाई लाइन जो गया है इधर से आपका ये जो इधर जो आइसोलेटिंग कॉक देख रहा है ये आइसोलेटिंग कॉक आपका सप्लाई लाइन किसके लिए है, ये आइसोलेटिंग कॉक सप्लाई लाइन आपका उस तरफ जो बोगी है उनमें दो बेलो में सप्लाई जा रहा है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स दूसरा गाड़ी में उस बोगी का सामने में आइसोलेटिंग कॉक रहेगा लेकिन ये जो आपका SLRD है इसमें आपका इधर ये सामने से इनका आइसोलेटिंग कॉक उस बोगी का दूसरा बोगी का आइसोलेटिंग कॉक इधर है, कहीं इधर उधर भटक के मत खोजिए। आइसोलेटिंग कॉक के बाद अभी एक गाड़ी फिलहाल ऐसी खड़ा है आइसोलेटिंग कॉक बंद पोजीशन में ऑफ पोजीशन में है तो रनिंग कंडीशन में ये ऑन पोजीशन पाइपलाइन का स्टेट में होता है। अभी देखिए ये आइसोलेटिंग कॉक के बाद में ये जो पाइप घुमा है और ये पाइप जाके आपका
इस जगह में एक टी ज्वाइंट दिखता है, ये टी ज्वाइंट का बाद में ये पाइप आपको चले गया उस तरफ के बोगी में डायरेक्टली सप्लाई देने की एयर वेलो। वो पाइपलाइन आप लोगों को दिखा रहा है कि चलेगी अंदर से, इनके अंदर में बहुत सारा आपका लाइन है, लेकिन उस तरफ बोगी में जो जा रहे हैं ये अंदर से अभी अंदर अंदर चले जाएंगे उस तरफ के बोगी में चल रहे हैं। और दूसरा बोगी में कौन जगह में आपका फेल्यूर इंडिकेशन का पोर्ट है और किस तरीके से काम करेंगे पाइपलाइन दिखाएं। बोगी उस तरफ से जो पाइप आए हैं, ये पाइप इधर टी ज्वाइंट में एक लगा हुआ है, ऊपर से एक एंगल का सरी आए है और ये पाइपलाइन देखिए पकड़ के आइए, ये आने के बाद में देखिए ऊपर उठे है, यही वो पाइपलाइन है जहाँ की आने के बाद में देखिए फ्लेक्सिबल पाइप आया है और ये लेवलिंग वाल्व में इनपुट हुआ है, ये लेवलिंग वाल्व इनपुट हुआ है। मैंने उस तरफ के बोगी का जहां से पाइपलाइन शुरू हुए थे उनके मैं पिक्चर देने के बाद में मैं इस तरफ में आ गया। दूसरा बोगी का पाइपलाइन कनेक्शन ये थोड़ा डिफरेंस होता है करके मैं इस तरफ में भी दिखा दे रहा है। अभी देखिए इधर आपका 60 लीटर सप्लाई लाइन आया है, आपका बोस्टर डूम में ऑक्सिलरी रिजर्वर रहते हैं और ये डुप्लेक्स चेक वाल्व में चले जा रहे हैं, वो लाल पार्ट्स है डुप्लेक्स चेक वाल्व। और उधर से देखिए डुप्लेक्स चेक वाल्व में एक बेलो, इस तरफ का जो बेलो है इनके एक पोर्ट निकला गया है, ये पोर्ट में आपके आए हैं और उस तरफ का बेलो का हवा उस पार में एक पोर्ट है डुप्लेक्स चेक वाल्व का, उधर से आप उधर से जो आए हैं और वो दूसरा पाइप एक क्रॉस बीम में आपका देख सकता है, क्रॉस बीम में एक पाइप लगा हुआ है, ये पाइप आपका ऊपर से आपको इस जगह में उड़ गया। ये दोनों पाइप जो जा रहे हैं ये आपका फीबा बोर्ड में जा रहे हैं। दो फीबा टेस्टिंग के आइसोलेटर को विद वेंट इधर रखा गया है, वो दोनों पाइप आए हैं, ये फीबा बोर्ड में इनपुट हुआ है। और इधर आप एक टी ज्वाइंट देख रहे हैं, इसमें आइसोलेटिंग कॉक एक दिख रहा है, ये बीपी का ब्रेक प्रेशर इधर आया है और फीबा बोर्ड में इनपुट हुआ है, क्योंकि कोई भी फेल्योर होगा एयर बेलो साइड में तो ये बीपी प्रेशर का लाइन अगर चालू रहेगा तो ये जो बोर्ड है फेल्यूर इंडिकेशन का बोर्ड है ये एक्टिव होगा और पूरा गाड़ी में ब्रेक लगा देगा। उस दौरान आपका इंडिकेटर इफेक्टिव जो बोगी होगा उनका इंडिकेटर रेड होगा, बाकी जितना भी गाड़ी का फेल्यूर इंडिकेशन का इंडिकेटर होगा वो आपका रेड नहीं होगा, ग्रीन रहेगा। लेकिन ये आपका जो गाड़ी का आपका ब्रेक लगने से जो इंडिकेटर है वो पूरा गाड़ी में रेड हो जाएगा, मतलब पूरा गाड़ी में ब्रेक लगा देंगे अगर एयर बेलो में कुछ डिफेक्टिव होगा तो, या तो एयर बेलो का कोई भी साइड से इफेक्टिव होगा तो ये घटना होंगे। फेल्यूर इंडिकेशन का बारे में आप लोगों को एक वीडियो मैंने डाले है, उस वीडियो में मैंने ऑर्डिनरी जो आपका LHB कोच है उसके ऊपर में मैं एक्सप्लेन किया है कि उसका फेल्योर इंडिकेशन का ट्रबल शूटिंग कैसे अटेंड करेंगे। तो इनके जो पाइपलाइन डायग्राम मैंने दिखाया है ये उनके हिसाब से ऑर्डिनरी से थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए आप लोगों को काम करने की सुविधा के लिए पाइपलाइन मैंने दिखाया है, क्योंकि अगर इस बेलो साइड में कुछ इफेक्ट होगा तो आप लोगों ने इसका आइसोलेटिंग कॉक खोजेंगे, दूसरा इस तरफ में खोजेंगे, लेकिन इस तरह में इनका आइसोलेटिंग जो कॉक इधर नहीं है, ये सप्लाई लाइन जो एयर बेलो में आया है इनका बेलो में सप्लाई लाइन का आइसोलेटिंग कॉक मैंने उस बोगी में जहां सप्लाई शुरू हुए थे उसी जगह में मैंने दिखाया है। तो मतलब उधर से इस बोगी का काम करने के लिए इनका सप्लाई लाइन बंद करने के लिए उधर का आइसोलेटिंग कॉक इस बोगी के लिए जो रखा गया उनको आपको आइसोलेट करना पड़ेंगे, इधर उधर खोजेंगे नहीं। ये फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोगों ने एक जो कि ब्रेक लगेज वैन का जो आपका एयर बेलो सिस्टम होते हैं उनके जो सिस्टम से फेल्योर इंडिकेशन बोर्ड लगा रहता है और वो कनेक्शन किस तरीके से रहते हैं आप लोगों का काम का सुविधा के लिए मैंने इस चैप्टर को बनाया है, क्योंकि दूसरा चैप्टर तो आप लोग जानते हैं लेकिन इस लाइन डायग्राम आप लोगों को जानने से थोड़ा सुविधा होगा काम करने के लिए, इसीलिए मैं इनको बनाया है और इनका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते हैं और मैं भी कुछ सीखता है, आप लोगों को भी कुछ सिखाते हैं, मेरा सब भाई लोगों को भी सिखाते हैं।
तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक सूझ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।